हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर चैनल दीप नैन यूट्यूब। तो फ्रेंड्स, आपके इस वीडियो में मैं फिर से स्वागत करता हूँ। अगर आप इस वीडियो में नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स आते हैं और उनके सब्सक्राइबर काफ़ी मिलते हैं, लेकिन जो उनका व्यू होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, जैसे कि 500-700। तो फ्रेंड्स, आप कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग वाली जो वीडियो आप अच्छी क्वालिटी में या फिर 5-6 मिनट के आसपास में डालें। जितना भी आप कंटिन्यू वीडियो डालोगे उतना ही आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, अच्छे व्यू मिलेंगे, अच्छे सब्सक्राइब मिलेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही कि फ्रेंड्स, अगर हम गैप दे देते हैं 5-7 दिन के बाद में, जैसे कि हमने आज वीडियो अपलोड कर दी और उसके बाद में हम 5-7 दिन के बाद में वीडियो अपलोड करते हैं, तो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, मान लो 500, 700, 2000, 1500 जितने भी हैं, तो उनके पास वीडियो नहीं पहुंच पाती हमारी। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि हमें कम व्यू मिलते हैं। तो अगर आपको अच्छे व्यू चाहिए, अच्छे सब्सक्राइब चाहिए, तो आप कंटिन्यू वीडियो अपलोड कीजिए। चाहे आप किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करते हो, लेकिन वीडियो को आपको कंटिन्यू अपलोड करनी पड़ेगी, आपको उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। आप जैसे मुझे खुद ही देख रहे होंगे मेरे कितने सब्सक्राइबर है और मेरे जो व्यू है वो कितने मिलते हैं। उसके पीछे यही रीज़न है कि कई बार मैं भी मतलब कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ। अब तो फिलहाल कुछ अच्छे व्यू भी मिलने लगे हैं, सब्सक्राइब भी मिलने लगे हैं, लेकिन बीच में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, बहुत ही कम व्यू हो गए थे। लेकिन अब आप सभी की सहायता से, आप सभी दुआ से काफ़ी अच्छा ठीक ठाक चल रहा है। तो आपको भी मैं यही एडवाइस देता हूँ, जितना ज़्यादा हो सके आप कंटिन्यू वीडियो अपलोड कीजिए। अगर आप नए यूट्यूबर्स हैं तो इसके बारे में मैं एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ, आपको क्या कुछ करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ थंबनेल वगैरह मैंने आपको काफ़ी कुछ बातें वो एक वीडियो में बताई हुई है, तो आप उस वीडियो पर ज़रूर जाएँ और ज़रूर देखें। एक बार वीडियो एडिटिंग है, वीडियो ज़्यादा टाइम लगता है, वीडियो बनाने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन जब वीडियो एडिट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो जैसे कि वीडियो हमने 5 मिनट की बनानी तो बहुत ही जल्दी बन जाती है, लेकिन उसके बाद में जो थंबनेल वगैरह या फिर एडिट करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई फ्रेंड्स पूछते भी थे, भाई आप कैसे एडिट करते हो, क्या कुछ कैसे थंबनेल लगाते हो। तो फ्रेंड्स, ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अगर फिर भी आपको इस और कुछ जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है, इस बात के ऊपर आप थोड़ा फोकस कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए फ्रेंड्स।